हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आपको केमिस्ट्री के सिलेबस को, जूलॉजी के सिलेबस को, बॉटनी के सिलेबस को एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स फिजिक्स और मैथ के सिलेबस को 2022 के लिए जो फ्रेंड्स लगने वाला है, उन सभी को मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी सारे वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिए हैं। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स जो आपको ये सिलेबस प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से संबंधित और कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का चैप्टर नंबर 1 है और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हम लोग का लेसन है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी फ्रेंड्स जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत इन्हीं सारे पॉइंट को हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, जैसा कि आप भली भांति जानती भी होंगी। मैंने फ्रेंड्स से आपको एक वीडियो इसका सेपरेटली बनाकर बताया भी है। तो आज फ्रेंड्स हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत यानी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के रसायन के अंतर्गत कुछ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी की बारे फ्रेंड्स आज हम बहुत विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप से जानते हैं कि जो फ्रेंड्स इसकी थ्योरी क्लास है, मैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अब थ्योरी क्लास प्रॉपर इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं इसके क्वेश्चन को भी इसी साथ यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसी समय में इसके क्वेश्चन को भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हुए चलूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो पिछली बार ऐसा हुआ कि फ्रेंड्स मैंने थ्योरी क्लास तो आप सभी को दे दी, लेकिन लास्ट में ले जाकर फ्रेंड्स आप केवल कह सकते हैं कि कंप्लीटली क्वेश्चन ही क्लास देना पड़ा। यानी कह सकते हैं कि काफी सारे पेपर व काफी सारे मल्टीपल क्वेश्चन प्रोवाइड कराने पड़े, जिससे फ्रेंड्स आप लोगों ने अपनी बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी भी की। तो इस कारण से फ्रेंड्स मैं इस गलती को अब दोहराना नहीं चाहता हूं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपकी की थ्योरी क्लासेस भी चलेंगी और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपकी कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन क्लासेज होंगी या कह सकते हैं फ्रेंड्स जो पेपर क्लासेज होंगी वो भी फ्रेंड्स चलेंगी। तो इस प्रकार से आपसे अपनी जब तैयारी है उसे फ्रेंड्स आप बहुत ही विधिवत तरीके से करने वाले हैं। और इन दोनों फ्रेंड दोनों प्रकार की जो तैयारियां हैं, फ्रेंड पेपर वाली भी तैयारियां और फ्रेंड थ्योरी क्लास वाली भी तैयारियां, दोनों के दोनों कह सकते हैं फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल पर यानी अंकित लेक्चरर कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पर और बीएससी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर, दोनों ही कह सकते हैं फ्रेंड चैनल पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चलने वाली हैं। तो प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि इन दोनों चैनल को जरूर से जरूर आपसे सब्सक्राइब कर लेना और इनके हर एक नोटिफिकेशन को आप लोग प्रॉपर चेक करते रहना, क्योंकि फ्रेंड्स इन पे मैं बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयारी आपसे की कराने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स कि आज का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आखिरकार क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप ही देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भी गया है, यानी कह सकते हैं कि बहुविकल्पी जो प्रश्न है होते हैं ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपसी को नजर आने वाले हैं। अब आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स है कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग क्वेश्चन को जो क्वेश्चन का अर्थ होता है उसे आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करना। मैं फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश यानी कि फ्रेंड्स की दोनों मीडियम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बार आपसी को समझाने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज ध्यान देना कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स यानी कह सकते हैं कि जो लैक्टोज होती हैं, मैंने फ्रेंड्स आपसी को बताया था कि फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसी प्रकार से फ्रेंड्स काफी सारे पार्ट होते हैं। तो जो फ्रेंड्स इसमें लैक्टोज होता है, तो जब फ्रेंड्स हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस कहते हैं या फ्रेंड्स उनका हम जब जल अपघटन करते हैं, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जब हम लैक्टोज को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो फ्रेंड्स आखिरकार किन में टूटता है, यानी कह सकते हैं कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स, यानी कह सकते हैं कि जो लैक्टोज होते हैं इनका जब फ्रेंड्स हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं या फ्रेंड्स इनका जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये फ्रेंड्स आखिरकार किन में टूटते हैं, तो क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि गैलेक्टोज में टूटते हैं या फ्रेंड्स ग्लूकोज में टूटते हैं या फ्रेंड्स कहते हैं कि गुलोज में टूटते हैं या फ्रेंड्स फ्रक्टोज में टूटते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड फर्स्ट इज द गैलेक्टोज, सेकंड इन द ग्लूकोज, थर्ड इन द गुलोज एंड फोर्थ इज द फ्रक्टोज। तो फ्रेंड्स इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स एकदम करेक्ट है, तो मैं आपको फ्रेंड्स इसका आंसर भी बताते हुए चलूंगा कि लैक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड इट इज द फर्स्ट राइट ऑप्शन ऑफ गैलेक्टोज। यानी कह सकते हैं कि जब लैक्टोज का हम फ्रेंड्स जल अपघटन करेंगे तो फ्रेंड्स गैलेक्टोज में यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ्रेंड्स गैलेक्टोज में कह सकते हैं फ्रेंड्स उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, इसका जो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है वो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा।
उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग प्लीज यहां पर ध्यान देना कि हमारा फ्रेंड्स सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इनवर्ट शुगर इज, यानी फ्रेंड्स इनवर्ट शुगर आखिरकार क्या होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था कि इनवर्ट शुगर क्या होता है, ये फ्रेंड्स नहीं भी बताया है तो आप लोग कमेंट कर देना, दोनों चैनल फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉपर प्रोवाइड भी कराता रहूंगा। जो जो आपके डाउट होगा फ्रेंड तुरंत आप लोग कमेंट कर देना, मैं फ्रेंड्स उस टॉपिक पर तुरंत ही आपके लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स स्टार्टिंग से भी पॉइंट है और आप लोग जितना कमेंट करेंगे उतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड कराता हूँ चला जाऊंगा। तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देना कि इनवर्ट शुगर इज, यानी फ्रेंड्स जो इनवर्ट शुगर होते हैं ये फ्रेंड्स आखिरकार क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर, यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स शुगर के वैकल्पिक रूप से निष्क्रिय फॉर्म होते हैं। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप लोग फ्रेंड्स यहां पर ध्यान देना अर्थ को कि फ्रेंड्स ऑप्टिकली का मतलब फ्रेंड्स होता है वैकल्पिक, और फ्रेंड्स इनएक्टिव का मतलब होता है फ्रेंड्स निष्क्रिय रूप से फॉर्म, यानी फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं कि खंड होते हैं। किसके फ्रेंड्स खंड होते हैं? तो शुगर की, यानी फ्रेंड्स चीनी की। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स हमारा सेकंड कह रहा है कि इनवर्ट शुगर आखिरकार क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला विकल्प है कि जो फ्रेंड्स चीनी होते हैं, जो फ्रेंड्स शुगर होते हैं, इनके फ्रेंड्स जो वैकल्पिक फॉर्म होते हैं, जो फ्रेंड्स ऑप्टिकली फॉर्म होते हैं, वो फ्रेंड्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि फ्रेंड्स निष्क्रिय रूप में होते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि हमारा इनवर्ट शुगर होता है, या फ्रेंड्स इसके अंतर्गत हमारा दूसरा कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन है कि इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी फ्रेंड्स जो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज होते हैं इनके फ्रेंड्स कोई मॉलिक्यूलर मिक्सचर होते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि आणविक फ्रेंड्स मिश्रण होते हैं। तो क्या फ्रेंड्स हमारे ये इनवर्ट शुगर होते हैं, या फ्रेंड्स मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज, यानी कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है और जो फ्रेंड्स सुक्रोज होता है इनका फ्रेंड्स ये मिक्सचर होता है, या फ्रेंड्स इनका ये मिश्रण होता है, क्या फ्रेंड्स ये इनवर्ट शुगर होता है, या ए वैरायटी ऑफ केन शुगर, या फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स केन शुगर होते हैं, जो फ्रेंड्स गन्ने होते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि जो चीनियां होती हैं इनकी फ्रेंड्स एक ही वैरायटी होती है, बट इनकी फ्रेंड्स क्या होती है तो किस्म होती है। तो आप आपको बहुत ही अच्छी तरीके में आ रहा होगा कि इनवर्ट शुगर आखिरकार क्या होता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स चारों ऑप्शन आप ही को अच्छे तरीके से नजर आ रहे होंगे कि इनवर्ट शुगर आगे का क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स आप ही को बताया कि ये फ्रेंड्स चीनी के एक वैकल्पिक रूप के निष्क्रिय फॉर्म होते हैं, फ्रेंड्स निष्क्रिय रूप होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये इनवर्ट शुगर है, या फ्रेंड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कह सकते हैं कि आणविक मिश्रण जो होते हैं, क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि इनवर्ट शुगर है, या फ्रेंड्स ग्लूकोज और सुक्रोज की जो मिक्सचर है, क्या फ्रेंड्स ये इनवर्ट शुगर है, या फ्रेंड्स जो गन्ने होते हैं इनकी जो फ्रेंड्स एक किस्म है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनवर्ट शुगर है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि इनवर्ट शुगर कर क्या होता है। तो मैं फ्रेंड्स आप ही को इसका आंसर बताता हूं कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज और जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज होते हैं इनके जो फ्रेंड्स इक्वी मॉलिक्यूलर मिक्सचर होते हैं, या फ्रेंड्स जो इनके आणविक कह सकते हैं फ्रेंड्स के मिश्रण होते हैं, इसी को ही फ्रेंड्स हम इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स किस शुगर के नाम से जानते हैं? तो इनवर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप ही को समझ में आ रहा होगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर नोट करते हुए चलना, क्योंकि फ्रेंड्स ये इस बार में तैयारी आप ही को बहुत ही विद्वत तरीके से कराऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स पेपर को आप लोग अलग किसने की फ्रेंड्स नोटबुक में नोट करना, और फ्रेंड्स साथ ही साथ जो थ्योरी क्लासेज होंगी उनको फ्रेंड्स अलग नोटबुक में नोट करना है। ये फ्रेंड्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, पहला पॉइंट है, तो इसका से बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करनी है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हिच कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज द एनोमेरिक कार्बन, यानी कह सकते हैं कि व्हिच कार्बन ऑफ ग्लूकोज, यानी फ्रेंड्स ग्लूकोज का कार्बन, या फ्रेंड्स ग्लूकोज का ऐसा कौन सा कार्बन है इज ए एनोमेरिक कार्बन, जिसे फ्रेंड्स हम एनोमेरिक कार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फ्रेंड्स आगरा में कह सकते हैं कि 2018 में पूछा भी गया है। आप लोग फ्रेंड्स यहीं पर ध्यान दे सकते हैं कि फ्रेंड्स आगरा में 2018 में कैसे फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ग्लूकोज का ऐसा कौन सा कार्बन है जिसे फ्रेंड्स हम एनोमेरिक कार्बन के रूप में जानते हैं, या फ्रेंड्स उसे हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो ऑप्शन है वो फ्रेंड्स है C2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है C1, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है C4, और उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है C3। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज का कार्बन होता है जिसे फ्रेंड्स हम एनोमेरिक कार्बन के नाम से भी जानते हैं, वो फ्रेंड्स आखिरकार कौन होता है। तो जो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि C1 कार्बन होता है, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा C1 कार्बन होता है इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एनोमेरिक कार्बन के रूप में फ्रेंड्स क्या होता है तो जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग केवल समझने का एक बार प्रयास करना कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। आप सभी को फ्रेंड्स अगर हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लर दिखाई दे तो प्लीज आप लोग मोबाइल को थोड़ा सा रोटेट कर लेना, या फ्रेंड्स मोबाइल को घुमा लेना और क्वेश्चन को फुल स्क्रीन में कर लेना, जिससे फ्रेंड्स आप ही को बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाई देगा। और यदि फ्रेंड्स आप ही इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन के पॉइंट को, हर एक टॉपिक को देख सकते हैं कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। यानी मैंने फ्रेंड्स आप ही को जस्ट अभी बताया था कि जब फ्रेंड्स हम लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं
हैं तो वो तो फ्रेंड्स गैलेक्टोज में टूट जाता है, जबकि जो फ्रेंड्स माल्टोज होता है, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स माल्टोज होता है ये फ्रेंड्स हम इसका हाइड्रोलिसिस करें फ्रेंड्स, इसका जब हम जल अपघटन करते हैं तो ये फ्रेंड्स आखिरकार किस में टूटता है, क्या फ्रेंड्स ग्लूकोज में टूट जाता है, या फ्रेंड्स फ्रक्टोज में टूट जाता है, या फ्रेंड्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में टूट जाता है, या फ्रेंड्स गैलेक्टोज में टूट जाता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि जब फ्रेंड्स हम माल्टोज का कह सकते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोलिसिस करते हैं या फ्रेंड्स जल अपघटन करते हैं तो माल्टोज आखिरकार फ्रेंड्स किस में टूट जाता है, क्या फ्रेंड्स ग्लूकोज में टूट जाता है, या फ्रेंड्स फ्रक्टोज में टूट जाता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, या फ्रेंड्स गैलेक्टोज में टूट जाता है। तो मैं फ्रेंड्स इसका आंसर जस्ट आपको बता रहा हूं कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि माल्टोज होता है जब फ्रेंड्स इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये फ्रेंड्स किस में टूट जाता है, तो ये फ्रेंड्स ग्लूकोज ग्लूकोज में कैसे फ्रेंड्स टूट जाता है, फ्रेंड्स किस में टूट जाता है, तो ये फ्रेंड्स ग्लूकोज में टूट जाता है। तो अब आपको कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर चौथा भी समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना, आप ये क्वेश्चन को बड़ा मत देखना, ये फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि द चेंज यानी फ्रेंड्स क्या है कि द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज कार्ड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपसे को समझाऊंगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो फ्रेंड्स ग्लूकोज की एक्वा सॉल्यूशन होती है, जो फ्रेंड्स एक्वा सॉल्यूशन का मतलब फ्रेंड्स होता है जलीय विलयन, या फ्रेंड्स एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड तो जलीय विलयन, तो जो फ्रेंड्स ग्लूकोज के जलीय विलयन होते हैं जो फ्रेंड्स फ्रेशली प्रिपेयर किए जाते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि ताजे रूप से फ्रेंड्स उनको हम तैयार करते हैं, तो उनमें जो फ्रेंड्स कहते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन होता है, या फ्रेंड्स जो कहते हैं कि रोटेशन होता है, या फ्रेंड्स प्रकाशीय रोटेशन होता है, उसमें जो फ्रेंड्स कुछ बदलाव होते हैं, कुछ फ्रेंड्स चेंज होते हैं, उन्हें फ्रेंड्स आखिरकार हम किस नाम से जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यही पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज की जलीय विलयन में जो फ्रेंड्स ताजे रूप से जिनको हम तैयार करते हैं उनमें जो फ्रेंड्स ऑप्टिकल रोटेशन होता है उनके फ्रेंड्स चेंजेस से आखिरकार फ्रेंड्स क्या जो फ्रेंड्स उनमें चेंजेस होता है या फ्रेंड्स उसमें कैसे कि बदलाव होता है उसे फ्रेंड्स हम आखिरकार किस नाम से जानते हैं, तो क्या हम फ्रेंड्स उसे कह सकते हैं कि एपिमेरिस्टेशन के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स म्यूटेरोटेशंस के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स स्पेसिफिक रोटेशन के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स नन ऑफ दीज के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी बताने का प्रयास करें कि ग्लूकोज के जलीय विलयन में जो फ्रेंड्स ताजे रूप से तैयार किए जाते हैं उनमें फ्रेंड्स जब ऑप्टिकल रोटेशन होता है तो उनमें फ्रेंड्स जो बदलाव होता है उसको फ्रेंड्स हम आखिरकार किस नाम से जानते हैं, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है म्यूटेरोटेशंस, यानी कहते हैं फ्रेंड्स की जो म्यूटेरोटेशंस होता है जो फ्रेंड्स उनमें उत्परिवर्तनवाद होता है उन्हीं को फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज के एक्वा सॉल्यूशन में फ्रेंड्स क्या होता है जो ताजे रूप से तैयार किए जाते हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होता है तो ऑप्टिकली रोटेशन हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी क्वेश्चन को हल्की मत लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते फ्रेंड तैयारी करते रहना कि इफ मोनोसैकेराइड कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप इट इज नोन एज, यानी कह सकते हैं कि मान लें फ्रेंड्स यदि कोई एक मोनोसैकेराइड कंटेन करता है फ्रेंड्स निहित करता है फ्रेंड्स अपने पास लेता है फ्रेंड्स किसको लेता है तो एक एल्डिहाइड ग्रुप को तो इट इज नोन एज, तो फ्रेंड्स उसे हम आगे का किस नाम से जानते हैं। ये फ्रेंड्स काफी बेसिक सा क्वेश्चन था और आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आगरा में 2098 कैसे फ्रेंड्स पूछा भी गया है, तो इसका फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इसे भी 100% नोट कर लेना कि ये फ्रेंड्स हम किसी भी मोनोसैकेराइड को कह सकते हैं कि किसी भी मान लें फ्रेंड्स जो मोनोसैकेराइड है वो फ्रेंड्स किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप को अपने पास फ्रेंड्स क्या करता है तो कंटेन करता है, तो उसे फ्रेंड्स हम आखिरकार किस नाम से जानते हैं, तो क्या फ्रेंड्स हम उसे कह सकते हैं कि एल्डोज के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स कहते हैं कि ओसोजोन के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स एनोमर के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स इपीमर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कि यदि कोई भी मोनोसैकेराइड किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप को अपने पास कंटेन करता है तो उसे फ्रेंड्स हम किस नाम से जानते हैं, तो देन फ्रेंड्स हमारा जो छठवां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो फ्रेंड्स हमारा है एल्डोज, यानी फ्रेंड्स क्या है तो वो फ्रेंड्स हमारा है एल्डोज, यानी फ्रेंड्स मान लिया कि कोई भी जो मोनोसैकेराइड होता है वो फ्रेंड्स किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप को अपने पास जब कंटेन करता है तो उसे फ्रेंड्स हम एल्डोज के नाम से जानते हैं, या फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं तो एल्डोज के नाम से जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, देन फ्रेंड्स आप लोग हमारे सातवां नंबर क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करना, यानी फ्रेंड्स वहाँ सातवां नंबर भाई क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, आप सी प्रॉपर यहाँ पर देख भी सकते हैं अपने हिसाब से को बहुत ही अच्छे तरीके से शो भी हो रहा है कि द रिएजेंट व्हिच मे बी यूज टू डिटेक्ट सुगर इन यूरिन इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स यूरिन, या फ्रेंड्स आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना, फ्रेंड्स मैं आप सी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा, आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि द रिएजेंट व्हिच मे बी यूज टू डिटेक्ट सुगर इन यूरिन इज, यानी कह सकते हैं कि यूरिन जो होता है फ्रेंड्स यूरिन के मतलब फ्रेंड्स आप ही जानते होंगे कि यूरिन का मतलब
फ्रेंड्स होता है मूत्र, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो यूरिन होता है इसमें जो फ्रेंड्स शुगर होता है या फ्रेंड्स इसमें जो कह सकते हैं फ्रेंड्स की जो चीनी होता है, इसको फ्रेंड्स डिटेक्ट करने के लिए या फ्रेंड्स इसको पहचानने के लिए जिस फ्रेंड्स हम रिएजेंट का या फ्रेंड्स जिस कह सकते हैं कि अभिकर्मक का हम प्रयोग करते हैं, फ्रेंड्स जिस अभिकर्मक का फ्रेंड्स हम यूज करते हैं उसे फ्रेंड्स हम आकर किस नाम से जानते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि यूरिन में शुगर की पहचान करने के लिए जिस रिएजेंट का या फ्रेंड्स जिस अभिकर्मक का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या फ्रेंड्स आकर का हम किस नाम से जानते हैं, क्या फ्रेंड्स उसे हम टॉलरेंस रिएजेंट के नाम से जानते हैं या फ्रेंड्स बैर रिएजेंट के नाम से जानते हैं या फ्रेंड्स आयोडीन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं या फ्रेंड्स फेलिंग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे सातवें नंबर क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर बताने का प्रयास करना। और ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं फ्रेंड्स आप ही को बता दूं कि ये फ्रेंड्स सेमेस्टर एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज जरूर से जरूर इसका आंसर सुनने का प्रयास करना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझना कि जो फ्रेंड्स किसी भी यूरिन में जो फ्रेंड्स शुगर होता है उसको फ्रेंड डिटेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स हम किस रिएजेंट का उपयोग करते हैं। तो जो फ्रेंड टॉलरेंस रिएजेंट होता है इन्हीं का उपयोग हम फ्रेंड्स कर सकते हैं कि किसी भी यूरिन में शुगर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है कि द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, यानी कह सकते हैं कि द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज, यानी फ्रेंड्स जितने भी शुगर होते हैं उन सभी में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर आगे का कौन होता है, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मीठा शुगर कौन होता है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, क्या होता है वो, या फ्रेंड्स माल्टोज होता है या फ्रेंड्स फ्रक्टोज होता है या फ्रेंड्स सुक्रोज होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना। और फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आगरा में 2016 में फ्रेंड्स पूछा भी गया था। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सभी प्रकार के शुगर में जो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट शुगर होती है, जो सबसे ज्यादा मीठी शुगर होती है वो फ्रेंड्स कौन सी होती है, क्या फ्रेंड्स वो ग्लूकोज होती है या फ्रेंड्स माल्टोज होती है या फ्रेंड्स फ्रक्टोज होती है या फ्रेंड्स कहते हैं कि सुक्रोज होती है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करें कि सभी शुगरों में सबसे ज्यादा मीठी शुगर कौन सी होती है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो आठवां नंबर क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स काफी बेसिक सा क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फ्रेंड्स फ्रक्टोज होता है ये फ्रेंड्स सभी शुगर में सबसे ज्यादा फ्रेंड्स कैसे होती है, तो स्वीटेस्ट होती है फ्रेंड्स, मीठी होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नौ नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा नौ नंबर क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि which of the following reduces toller reagent, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि which of the following reduces toller reagent, जो फ्रेंड्स कहते हैं कि which मतलब निम्न में से कौन सी हमारी ऐसी reduces है, यानी ऐसी कौन सी अपघटन है जो फ्रेंड्स toller reagent को कैसे फ्रेंड्स स्टार्टिंग करती है, फ्रेंड्स toller reagent से कैसे फ्रेंड्स अपघटित होती है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि which of the following reduces toller reagent, यानी कैसे कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कह सकते हैं कि जो हमारी शर्करा है फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी कहते हैं फ्रेंड्स की शुगर है जो फ्रेंड्स toller reagent को या फ्रेंड्स जो toller कैसे अभिकर्मक होता है उसको फ्रेंड्स कहते हैं कि रिड्यूसेस करती है फ्रेंड्स, उसका कहते हैं कि अपघटन करती है। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्या फ्रेंड्स वो केन शुगर है या फ्रेंड्स वो स्टार्च है या फ्रेंड्स कहते हैं कि वो ग्लूकोज है या फ्रेंड्स ऑल ऑफ दी, या फ्रेंड्स ये सभी हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर हमारे नौवें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करना कि निम्नलिखित में हमारा ऐसा कौन सा कह सकता है फ्रेंड्स शुगर है जो फ्रेंड टॉलर रिएजेंट को फ्रेंड्स क्या कर देती है, तो रिड्यूसेस कर देती है फ्रेंड्स, उसका भी अपघटन कर देती है। तो मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि जो ग्लूकोज होता है ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं कि आगरा में फ्रेंड 2017 में और 18 में फ्रेंड दोनों में पूछा गया है। तो इसका फ्रेंड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेंड्स ग्लूकोज होता है ये फ्रेंड्स हमारा एक प्रकार का ऐसा शुगर है जो टॉलरेंस रिएजेंट को भी फ्रेंड्स क्या कर देता है, तो फ्रेंड रिड्यूसेस कर देता है फ्रेंड्स, उसका भी अपघटन कर देता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा नौ नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन कौन सा है और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज यहां पर ध्यान देना कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द मेजर प्रोडक्ट इज, आप फ्रेंड्स यहां पर अब ध्यान देना, मैं फ्रेंड्स यहां पर एरो नहीं ड्रॉ करूंगा नहीं तो फ्रेंड्स आपको नहीं दिखाई देगा कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, या फ्रेंड्स मुख्य उत्पाद हमारा आगे का कौन सा बनता है, तो क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, तो क्या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ग्लाइसरेल्डिहाइड वो बनता है या फ्रेंड्स ग्लूकोनिक एसिड बनता है या फ्रेंड्स गैलेक्टोज बनता है या फ्रेंड्स सैक्राइड एसिड बनता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसका आंसर बताने का प्रयास करना कि इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ब्रोमीन वाटर के ब्रोमीन वाटर को ग्लूकोज के मिलाने के बाद बनता है। तो ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप इसका आंसर जानते भी होंगे
कि जब फ्रेंड्स हम किसी भी ग्लूकोज को किसी भी ब्रोमीन वाटर के साथ फ्रेंड्स मिक्सअप करते हैं, फ्रेंड्स ट्रीटेड करते हैं, तो इनसे जो फ्रेंड्स हम लोग का मेजर पार्ट बनता है वो फ्रेंड्स कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स होता है ग्लूकोनिक एसिड। या फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, तो वो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ग्लूकोनिक एसिड होता है। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को 10 के 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत जो फ्रेंड्स मैं आप सभी को समझाने वाला था समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी कमेंट करेंगे तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप सभी को पेपर और काफी सारे कैसे फ्रेंड्स के क्वेश्चन को कैसे कि सॉल्व करके भी फ्रेंड्स इसी वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बताता भी रहूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स काफी दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सेकंड सेमेस्टर को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दिया जाए। तो आप सभी के फ्रेंड्स कमेंट को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं अभी एक कहने की एक वीडियो फ्रेंड्स अपने सेकंड चैनल यानी अंकित लेक्चरर पर भी आप सभी को सेकंड सेमेस्टर की प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर उसे भी नोट कर लेना या फ्रेंड्स उसे भी देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स उस वीडियो के अंतर्गत मैं फ्रेंड्स आप सभी को थ्योरी क्लासेस देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो और फ्रेंड्स समझ में आया हो तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल फ्रेंड्स आप नए हो या पुराने हो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।